कांग्रेस में चल रहे सियासी घटनाक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी। सर, लगातार सियासत बढ़ती जा रही है, अब गहलोत कहाँ जी ने बढ़ माफी रही है, मांगी है। अब कहाँ बढ़ रही है। तो सीएम साहब ने सोनिया जी को अधिकार दे दिया, सोनिया जी जो करेगी जो होगा। लेकिन सर, उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम संडे को हुआ उसके लिए माफी मांगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ जो भी घटना हुई, कैसे हुई वो सबको पता है, क्यों हुई सबको पता है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सोनिया जी को कन्विंस कर दिया, जो घटना हुई उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया और सोनिया जी को अधिकार दे दिया। कौन सीएम होगा, सोनिया जी फैसला करेगी। दोनों लीडर, अशोक गहलोत जी ने माफ़ी मांगी, सचिन पायलट निकले कि 2023 के लिए हम कमर कस रहे हैं, तो अब किस तरीके से तैयार रहेंगे आप लोग? ये अलग बात है क्या होगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नॉमिनेशन है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होगा, कौन होगा, ये सोनिया जी के ऊपर डिपेंड है। इसी के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। सर, इसके बाद में जो कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से देख रहे हैं कि जरूरी था इस तरीके से वीडियो अखबार निकालने का? मेरी जानकारी नहीं है, चीज़ें वीडियो का ही का है, मैं जान नहीं जानता वीडियो का ही का है। अब जैसे दिग्विजय सिंह जी ने नामांकन भर रहे हैं, शशि थरूर जी हैं, अब खड़गे जी का भी नंबर आ रहा है, तो क्या लगता है कौन मजबूत कर पाएगा पार्टी को? कि जो भी है सोनिया जी मजबूत कर पाएगी, सोनिया जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे किसी को बना दो, सोनिया जी ही हमारी पार्टी की सर्वोच्च लीडर है और वही सोनिया जी इस पार्टी को आगे बढ़ा सकती है। पहले 10 साल यूपीए का शासन रहा, वो सोनिया जी के दम पर ही रहा, सोनिया जी की छवि से ही रहा, सोनिया जी के त्याग से रहा। बाकी कोई बन जाओ, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोनिया जी सुप्रीम कमांडर रहेगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस मजबूत होगी। क्या आपको लगता है गैर गांधी परिवार के अलावा पार्टी कोई मजबूत नहीं कर सकता है? गैर गांधी परिवार ये बीजेपी का फंडा है, ये बीजेपी का फंडा है, हमको बीजेपी के फंडे में नहीं आना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है सोनिया जी को खुद को पार्टी अध्यक्ष रहना चाहिए, आजीवन अध्यक्ष रहना चाहिए, तभी पार्टी मजबूत हो सकती है। उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी तपस्या, गांधी परिवार का जो त्याग बलिदान है सोनिया जी का भी कम नहीं है। राहुल गांधी ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो उन्होंने आतंकियों के आगे घुटने टेके। इंदिरा जी ने प्राण न्यौछावर कर दिए पर आतंकवादियों के आगे घुटने नहीं टेके। तो निश्चित रूप से सोनिया जी ने जो त्याग किया प्रधानमंत्री पद का, कोई नहीं कर सकता है, कोई मंत्री का भी नहीं कर सकता है, कोई एमएलए का भी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री के पद को जिन्होंने त्याग किया हो, वो त्याग की मूर्ति है। अब क्या रहेगा? आला कमान के ऊपर आप लोगों ने फैसला छोड़ दिया है, आला कमान किसे बनाती? तो क्या आप सब साथ रह के चुनाव लड़ेंगे? बात सोनिया जी जाने, सोनिया जी का काम जाने। एक साथ रहेंगे अब? सोनिया जी का जो आदेश होगी सब पालना करेंगे, जो तो नहीं करेगा उसकी वो जाने। बाकी सोनिया जी के आदेशों की पालना होगी। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा, जिन्होंने साफ कहा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को आगे बढ़ा सकता है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।